हाय गाइस, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। और ये देखिए, यहाँ मैं बना रही हूँ स्नैक्स और तैयारी हो रही है कि कुछ गेस्ट आए हैं और वो गेस्ट कौन हैं और लेकर आए हैं शादी का कार्ड। वो किसकी शादी का कार्ड है ये जानने के लिए आपको मैं लिए चलती हूँ फ्लैशबैक में। ये देखिए, गेस्ट आ चुके हैं और बताती हूँ कि किसकी शादी का कार्ड है। तो चलिए मेरे साथ फ्लैशबैक में। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इसकी अभी शादी होने वाली है, आप इसका ब्लॉग इसकी शादी के बाद देखना, ठीक है? अभी आप शादी के बाद नहीं देखना, शादी की सारी अपडेट जो है सब मैं टाइम टू टाइम शेयर आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसको जरूर देखना और प्लीज लाइक। यहाँ देखिए, सभी लोग स्नैक्स खाते हुए और इन्जॉय करते हुए, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, उंगली चाट चाट के खा रहे हैं। और ये है वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उनके पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, और ये सब आए हैं और सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और भी बना लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन, इस चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और काट के इसमें दही और मसाले, मिसालों में लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसमें डाल के, और मैंने इसको मैरिनेट किया था कोई आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसमें तेल डाल के, बिल्कुल कम तेल डालना है क्योंकि ये ड्राई बनता है, और ये देखिए बिल्कुल ऐसे ड्राई होना चाहिए। और इसका दही का पानी बिल्कुल सूख चुका है, अब ये ड्राई हो चुका है। और अब इसके अंदर, इसको बंद करने के बाद, इसमें हम एक नींबू का रस डालेंगे। आपको जितना खट्टा चाहिए, मैं तो आधा डालूंगी, तो आधे में मेरा इतना हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ऐसे ड्राई बनाना है इसको। और ये चिकन रोल की रेसिपी है, उसमें चिकन इसी तरीके से डालता है, मैं तो ऐसे डालती हूँ, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देखिए। और इसके अलावा हमें और चीज़ें क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा हमें चाहिए ये दही, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं, ये हो चुका है हमारा, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ अभी। ये हमारा बंद हो चुका है, इसको मैं साइड में करती हूँ। और इसके अलावा हमें जो चाहिए ये देखिए, इसके अलावा ये प्याज के लच्छे हमें चाहिए, ये मैंने काट के और पानी के अंदर भिगो दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसके जो है मैं इसको निकाल लूंगी। इसके अलावा हमें चाहिए दही, ये दही को मैंने छान लिया है, इसका पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल, ये देखिए एकदम थिक दही होना चाहिए। और इस दही में हम मिलाएंगे मेयोनीज, तो मेयोनीज मैं मिलाऊंगी इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच। और इसके अलावा ये जाएगी इसमें ग्रीन कलर की चटनी, जो धनिया पुदीने की चटनी है, ये देखिए ये मैंने पीसी हुई है, इसमें जाएगी धनिया पुदीने की चटनी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। तो इसके अलावा फिर मैं बनाती हूँ, जो चाहिए वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अभी बनाते हैं हम अपने रोल, फिर आप। इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है, ये इसके अंदर मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स किया है, मैंने सारा मैदा नहीं लिया है क्योंकि हेल्थ के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स किया है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है, मतलब बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून डाला है और नमक डाला है, इसे गूंद के मैंने रख दिया था। तो ये कम से कम 1 घंटा हो गया इसे रखे हुए, तो अब इसे निकाल के अच्छी तरह से इसको हाथों से मसल लेना है, गूंदना नहीं है, अच्छी तरह से इसको मसल लेना है। तो ये मैंने सब करके रखा हुआ है, तो चलिए हम बनाते हैं अपने रोल।
ये इसमें मैंने दही में मेयोनीज डाल दी है। इसमें जाएगी ये चटनी, ये धनिया पुदीने की चटनी है। अब इसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अगर इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला मिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला भी मिलाती हूँ। और इसके अलावा जाएगा नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। चाट मसाला इसलिए मिलाया ना क्योंकि मेयोनीज थोड़ी सी हल्की सी उसमें मिठास होती है, और ये देखिए इतना क्रीमी होना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, दही का पानी हमने निकाल दिया है। कई लोग जो है दही को टांग के भी पानी निकालते हैं, चाहे तो आप वैसे निकाल लीजिए, मैंने इसको छन्नी में छाना है। तो ये देखिए इस तरीके का स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा, बस हमें यही चाहिए इसमें, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रोल। ये देखिए हमने ये रोटी बना के इस पे डाल दी है, अब हम इसको सेकेंगे। इसको थोड़ा सा ना तेल लगा के सेकना, जैसे पराठे के लिए बनाते हैं, लेकिन पराठे जैसे नहीं, ज्यादा तेल नहीं लगाना कम। तो मैं अभी आपको एक बना के दिखाती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें ऐसे ही बनेंगी। ये देखिए मैंने पलट दिया है, पलट के इसमें थोड़ा तेल लगाया है, और दूसरी साइड में भी मैं ऐसे तेल लगाऊंगी। इसी तरीके से हमें सारी बना लेना है। इस तरीके से बनेगा। अब मैं इसका इसका रोल बना के दिखाती हूँ आपको। एक ये देखिए, ये डाला हमने चिकन का कीमा इसमें, अब जाएगी इसमें हमारी प्याज काट के और धो के रखे हैं ये, और इसके ऊपर जाएगा ये दही और मेयोनीज का मिक्सचर जो मैंने बनाया था। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर आपको उसके ऊपर ग्रीन चिल्ली डालनी, चटनी डालनी है जो मैंने पीसी थी पुदीने की, वो भी डाल सकते हैं, और या चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही इसको बना रही हूँ। अब इसको करना है फोल्ड करके, ये फोल्ड किया मैंने, और इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो मैं इसको टिश्यू पेपर के अंदर ही करूँगी। इसको ये ऐसे ट्रायंगल ये किया हमने ऐसे, अब ये देखिए ये इसके ऊपर रखा ऐसे, अब इसे यहाँ से फोल्ड अंदर की साइड में, और ये आया ऐसे, और ये जो नीचे वाला है ये इसको हम इसमें ऐसे रैक कर देंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा चिकन रोल। देखिए गाइस, बन चुका है हमारा चिकन रोल यहाँ पर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों के लिए, अपनों के साथ। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।